मुंबई में बीती शाम रही इन्फिनिटी म्यूजिक एल्बम के नाम। बच्चन फैमिली की मौजूदगी ने बढ़ाई इवेंट की शान। मुंबई में शुक्रवार शाम म्यूजिशियन अयान अली बंगाश और काश कले ने अपनी नई एल्बम इन्फिनिटी लॉन्च की। अमान, अयान और काश को सपोर्ट करने यहां बॉलीवुड के कई बड़े सितारे शामिल होने पहुंचे। इस मौके पर जया बच्चन अपने दोनों बच्चों अभिषेक और श्वेता के साथ इवेंट में पहुंची। बच्चन परिवार के अलावा भूमिका चावला, अमजद अली खान और रमेश तौरानी ने अपने बेटे के साथ शिरकत की। इतना ही नहीं, बॉलीवुड फिल्म मेकर करण जौहर भी इस इवेंट के स्पेशल गेस्ट बनकर पहुंचे और उन्होंने यहां अयान और अमान के काम की तारीफ करते हुए अपनी पुरानी यादें शेयर की। एक्चुअली आई डू नो अमान एंड अयान फॉर अबाउट 15 टू 20 इयर्स। आई थिंक इट डेट्स बैक टू द टाइम दैट वी यूज्ड टू स्टे इन द सेम होटल इन न्यूयॉर्क एंड वी शॉट टू फिल्म्स एक्सटेंसिवली इन न्यूयॉर्क एंड अमान एंड अयान वर like part of that crew because they would come on tour and we would meet there often through Kalhona Ho and Kabhi Alvida Na Kehna. And I remember at that time, more than searching for music, they were looking for wives. Aman is still looking. He was. And I really look forward to myself as a filmmaker collaborating. Music is a large part of what I do as a filmmaker, and specifically, I've grown up on Indian music, Indian film music. एल्बम लॉन्च के इस मौके पर जया बच्चन और अभिषेक को फेलिसिटेट भी किया गया। इनफैक्ट अपने इस खास दिन पर अयान, अमान और काश ने E24 के रिपोर्टर उमेश शुक्ला के साथ अपने म्यूजिक एल्बम पर बात की। आज हमारे साथ है ऐसे संगीतकार जिनका संगीत हमारे कानों तक नहीं, हमारे दिल तक पहुँचता है। जी हाँ, मेरे साथ है अयान, कर्ज और अमान। वेलकम E24। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत ही दमदार, हर बार की तरह उम्मीद है एक बार कुछ नया खास आ रहा है। क्या कुछ खास है इन्फिनिटी के साथ, कुछ हमें बताया। एंड आपसे स्टार्ट करना चाहिए। ये पहली बार कर्ज भाई के साथ एक एल्बम हम लोगों ने मिलके बनाया है, तो काफ़ी साल लग गए बिकॉज हम लोग सब भगवान के शुक्र से बिजी हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, प्रोग्राम हो रहे हैं सबके, तो बहुत समय लगा लेकिन बहुत दिल से, बहुत प्यार से एक खूबसूरत चीज़ हमने बनाने की कोशिश करी है। मैं बस दुआ करता हूँ लोगों को पसंद आए ये एल्बम। कर्ज, आप क्या कहना चाहेंगे? It's been such an incredible journey. In fact, it took almost three, four years. This journey that we took on this album, and it went back and forth. And I was in New York, and these guys were traveling, so it was very exciting for us to, you know, be able to kind of put these pieces together and finally kind of make this album come together. So it was. आयन, आप पर हमेशा से प्रेशर काफ़ी ज़्यादा रहा है, आप बड़े हैं, सीनियर हैं, तो क्या कुछ आप फील करते हैं? देखिए, म्यूज़िक में कोई सीनियर नहीं होता। जी जी। जो भी म्यूजिशियन की कोई उम्र भी नहीं होती। जी जी। तो मेरे हिसाब से प्रेशर ऐसा नहीं है, प्लेजर है कि बड़ा बेटा बनकर पैदा हुआ हूँ, लेकिन हाँ, जिम्मेदारियाँ हैं और जितना मेरे हक में, हित में है, मैं कोशिश करता हूँ। आयन, अगर बात की जाए म्यूज़िक की, तो क्या कुछ खास नज़र आने वाला है इस म्यूज़िक के साथ? देखिए, संगीत जो है वो हर बार एक नई चीज़ हम लोग करते हैं, क्योंकि हमारा जो शास्त्रीय संगीत है वो एक रिटन स्कोर नहीं होता, जो कुछ भी होता है वही होता है। तो ये भी जब दिल मिले रहते हैं तो संगीत भी साथ साथ अच्छा संगीत आ जाता है बाहर। तो हमने, जैसे मैंने कहा, बहुत प्यार से और मेहनत से ये एल्बम को तैयार किया है। आजकल कलाकार तोहफा भी नहीं दे सकते बिकॉज CD और LPs नहीं है कुछ पकड़ने को, तो इसलिए मैं गुजारिश करूंगा कि सब लोग ये डाउनलोड करें एप्लीकेशन को और ये एल्बम को सुनें। थैंक यू सो मच E24 से बात करने के लिए। आपकी कला की, आपकी संस्कृति की खुशबू हमेशा हमारे साथ रहती है। थैंक यू सो मच हमसे बात करने। कैमरामैन सिद्धेश के साथ उमेश शुक्ला, E24 मुंबई।